सो है गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर अदर डिफेंस स्टॉक्स, सभी में शानदार रैली बनी हुई है। बट ये जो रैली है वो कहाँ तक चलेगी, ये सभी के मन में थोड़ा सा डाउट आ चुका है। क्योंकि ये जो स्टॉक है डिफेंस सेक्टर के, ये 50-50% के रिटर्न आपको दे चुके हैं विद इन वन मंथ में। जी हाँ, वन मंथ में आप लोग देखो 50-50% रिटर्न। और ऊपर से आप लोग देखो अभी इलेक्शन रिजल्ट भी नज़दीक आते हुए नजर आ रहे हैं। सिक्स्थ फेज की जो वोटिंग्स है वो भी हो गई। अब सेवन्थ फेज की लास्ट वोटिंग रही है जो 1 जून को होगी। उसके बाद 4 जून को आ जाएंगे फैसले। और 4 जून के बाद मार्केट किस तरफ डायरेक्ट करेगा, ठीक है, डायरेक्शन किस तरफ जाएगी मार्केट की, वो सभी को पता। अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है फिर से तो मार्केट में एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग देखोगे पैरामीटर चेंज होते हैं तो उस कंडीशन में गिरावट भी बन सकती है मार्केट में 10-12% के आसपास। जी हाँ, ये हकीकत है। तो चलिए भाई, आप देख लेते हैं आखिरकार आगे कैसे क्या माहौल बन सकते हैं स्टॉक के अंदर। साथ में यहाँ पर एक खबर भी आते हुए नजर आई है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग देखोगे भी कंपनी ने 1150 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर विन किया था, जिसका इम्पैक्ट हमें संपूर्ण रूप से स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 7-8% उछल चुका है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बाउंड वीक हाई बनाया, लगभग 299-300 रुपये के आसपास का जो इसका हाई है वो यहाँ पर क्रिएट किया है। आप लोग देखोगे हमारे टारगेट थे रिजल्ट तक 252-250 रुपये के, ठीक है, लेकिन रिजल्ट के बाद अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो 280-300 ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते थे। वो दोनों टारगेट यहां पर स्टॉक ने दिखाए हैं, ठीक है। अब ऐसे में आप लोग देखोगे इसकी ऑर्डर बुक भी लगातार मजबूत हो रही है। जो भाई लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल जिस प्रकार से डिफेंस जो सेक्टर है वो मजबूत हो रहे हैं, उन सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा यहां पर। इसीलिए सभी ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश है पूरे डिफेंस सेक्टर के ऊपर, तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत डीप वगैरह बनते रहेंगे, वो मौके होंगे। तो चलिए भी देख लेते हैं सबसे पहले जो खबर है वो क्या है और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके आगे क्या हो सकता है इसमें। जैसा कि यहाँ पर देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक नोटिस जो अभी पब्लिश किया है और इस नोटिस के माध्यम से कंपनी ने क्या बताया क्या नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखोगे थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया गया है भी पीछे के रिजल्ट्स कैसे हैं, उससे कैसा इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर आया भी है, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। टर्नओवर आप लोग देखोगे भी काफ़ी शानदार इंक्रीजिंग हमें देखने को मिला भी 2023-24 के साल के दौरान, जो कि लगभग 14% के आसपास जो अभी इसका टर्नओवर इंक्रीज हुआ है। उसके बाद देखोगे भी टर्नओवर के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है, ये लगभग 34% के करीब। इविडा आप लोग देखोगे 25.22% के करीब, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्सेस, ये हमें लगभग 33.68% के करीब इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। काफ़ी शानदार ग्रोथ हमें इसमें भी देखने को मिली है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो ऑर्डर्स हैं इसके, ऑर्डर्स जो इसने कंपनी ने ऐड किए हैं 2023-24 के दौरान, वो लगभग 35,000 करोड़ के हैं। टोटल ऑर्डर बुक इसकी आप लोग देखो 1 अप्रैल 2024 तक जो हो चुके हुए हैं लगभग 75,934 करोड़ की। अभी कंपनी ने एक दो ऑर्डर और विन किए थे भी 1 अप्रैल के बाद, तो ठीक है, जिसका जो अगर देखा जाए ऑर्डर बुक में मिलाकर तो ये 77,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। क्योंकि पीछे एक दो दिन पहले कंपनी को 1150 करोड़ का ऑर्डर मिला था, तो इसलिए ऑर्डर बुक काफी ज्यादा मजबूत है। और ये ऑर्डर बुक और ज्यादा मजबूत होने की संभावना है अगले आप लोग देखो क्वार्टर तक, जो ना भी कम से कम 8-10 हजार करोड़ के ऑर्डर यहां पर और ऐड हो सकते हैं, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए सही है। और बाकी देखो अभी इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 19 पेजेस की ये पीडीएफ है। देखो इसे कंप्लीट पढ़ना और उसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप लोगों के पास अगर शेयर है तो आप लोगों को इसको जरूर पढ़ना चाहिए। आगे के क्या प्लान है कंपनी के, किस प्रकार से कंपनी आगे का जो प्लेटफॉर्म है वो सेटअप करके चल रही है, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो किस प्रकार से आप लोग देखो इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ देखने को मिली है इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर वगैरह में यहां पर आपके सामने है। तो इसलिए भी इसे आप लोग डिटेल में जरूर पढ़ना वीडियो को पहुंच करके, या फिर आप लोग देखोगे भी इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस पीडीएफ का, वहां से डाउनलोड करना और डिटेल में पढ़ना, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं चार्ट इसका। तो यहाँ पर देखोगे भी इसके स्टॉक में हमें जो ना भी लगभग 50% की एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और ये ग्रोथ आप लोग देखो 50% प्लस ही है भाई, लगभग आप लोग देखोगे भी 180 की रेंज में स्टॉक आ गया था मार्च के अंदर, ठीक है, एक डीप आया था। उस टाइम मैंने आपको एक ही बात बोली, ये मौका है, स्टॉक में गिरावट नहीं है, मौका है और ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में जो एक्शन आया ना अभी जबरदस्त आया है, और ये एक्शन 300 रुपये पर लेकर चला गया स्टॉक को 178 से 300 के लेवल पर। तो आप लोग सोच सकते हो कितनी जबरदस्त
ग्रोथ आई है और रिजल्ट तक तो चांस थे भी 250 तक के टारगेट की, लेकिन ये स्टॉक 250 प्लस उस दिन क्लोजिंग लिया और अगले दिन एक जबरदस्त एक्शन स्टॉक में देखने को मिला है और ये रैली 300 के लेवल पर स्टॉक को लेकर पहुंच गई है। ऐसे में अभी के टाइम देखो जिस प्रकार से रैली बनी तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो हो सकती है, तो इलेक्शन से पहले अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो स्टॉक में डीप बन सकते हैं और वो हमारे लिए मौका क्रिएट हो सकता है। देखो भाई जिनको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है कोई दिक्कत नहीं, वो तो आंख बंद करके बैठा ही रहेगा। अगर स्टॉक में किसी भी कारणवश 10-15% का डीप बनता है तो वो उसे पता है वो मौका है, ठीक है। और रही बात जो जिसको रिस्क नहीं लेना है 283 का जो अभी नीचे में सपोर्ट है इसके ऊपर आई थिंक आप लोग ट्राई कर सकते हो, और इसके अलावा जो कोई भी खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। ऊपर में टारगेट की बात करें तो आप लोग देखोगे 315-325 ये टारगेट जिस प्रकार से रैली स्टॉक में बनी हुई है ये हमें आते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर उससे पहले अगर डीप बना तो वो मौका होगा भाई, ठीक है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर डीप बनेगा तो आप लोग 260, 270 और 250 ये नीचे में लेवल स्टॉक हमें दिखा सकते हैं अगर डीप आया तो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।